गमनागमन ही देखना, किताब बंद करें, चौथे गुण संशय है, किताब बंद करें, गमनागमन देखना है। और गमनागमन देखते समय हमें किताब तो खोलना ही नहीं है, एक दूसरे से पूछना भी नहीं, अपने में ही इतनी क्षमता होना चाहिए कि सहज उत्तर आना चाहिए, और उत्तर आने लायक है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, चौथे उंसान से कोई जीव ऊपर जाएगा तो कौन कौन से उंसान में जा सकता है? ऊपर जाएगा चौथे उंसान से जब आपस में बात नहीं करने के मना किया तो भी बात के बिना रहते ही नहीं, बात नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, एक दूसरे की सलाह लेकर बोलोगे तो तुम्हारा उत्तर कहाँ हो गया? वो तो उत्तर ऐसा हो गया जिस उत्तर को हम क्या कहें, झूठन हो उत्तर हो, आपका उत्तर नहीं रहा, आपका उत्तर वही रहेगा किसी से भी बात किए बिना सीधा उत्तर दोगे तो आपका उत्तर है, नहीं तो आपका उत्तर है नहीं। बोलो बोलो ना, यानी नाम के साथ बोलो ना, गुणस्थान के नाम के साथ बोलो, मात्र नंबर बोलने की अपेक्षा। देश व्रत और अप्रमत्त व्रत। बहुत बढ़िया, देश व्रत गुणस्थान में गमन करेंगे और अप्रमत्त गुणस्थान में गुणन करेंगे, चौथे गुणस्थान में गमन करेंगे। लेकिन यहाँ जो गमन करने की बात कही, ये सत्य होने पर भी उसके साथ और कुछ जोड़ना चाहिए। मात्र चौथे अनुष्ठान से कोई भी जीव सातवें अनुष्ठान में जाएगा, कोई भी पांचवें में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ विशेषण आवश्यक है, कौन सा जीव चौथे से सातवें में जाएगा और कौन कौन सा जीव चौथे से पांचवें में जाएगा, विशेषण के साथ बताइए। और कल से मैं आने के पहले आपको अध्ययन करता हुआ देखना चाहता हूँ, वहाँ जाकर खड़े होना, उनको परेशान करना कुछ आवश्यकता नहीं। हाँ भाई, कौन जीव सातवें में जाएगा और कौन जीव पांचवें में जाएगा? चौथे वाला प्रत्येक जीव सातवें में जाएगा पांचवें में जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वर्धमान बोलोगे? बोलो। जिन्होंने तीन चौकड़े अभावपूर्वक जो भावलिंगी मुनि है वो सातवें गुण स्थान में जाएंगे। अरे चौथे वाले भावलिंगी मुनिराज सातवें में जाएंगे। हाँ, जो चौथे में जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वही सातवें में जाएंगे। हाँ, ऐसा बोल रहे ना, चौथे गुण स्थान में जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है वे सातवें में जाएंगे। अब उत्तर बराबर हो गया। हाँ, और जिन्होंने दो चौकड़े अभाव का मतलब अभाव किया है और जिन्होंने व्रत आदि अनुव्रत आदि जो लिए हैं वो पांचवें गुण स्थान में श्रावक या ऐसा नहीं, जो गलती पहले की वही गलती दूसरी बार कर रहे हो। कौन सा जीव चौथे गुण स्थान वाला, कौन सा जीव देश व्रत में जाएगा, इसका यथार्थ उत्तर चाहिए। दो जो मतलब जिन्होंने दो चौकड़ी का नहीं नहीं, ये बात तो बात की बात, चौथे में वो कौन सा जीव है जो पांचवे में जाएगा, पांचवे में जाने के बाद वो द्रव्यलिंगी मुनि भी हो सकते हैं और श्रावक भी हो सकते हैं पांचवे में जाने वाला। द्रव्यलिंगी मुनि हो सकते हैं और कौन? श्रावक, व्रती श्रावक। ऐसा है, अधूरा उत्तर हो गया। उत्तर तो सही है, जिस तरह द्रव्यलिंगी मुनि चौथे से पांचवे में जाएंगे ये बात सत्य है, उसी तरह जो व्रती श्रावक यानी उसका नाम क्या रहेगा, व्रति श्रावक, कौन सा व्रति श्रावक? देश व्रति श्रावक। देश व्रति श्रावक नहीं, द्रव्यलिंग श्रावक। देश व्रत द्रव्यलिंग श्रावक, द्रव्यलिंग श्रावक जो चौथे स्थान में है वे पांचवें स्थान में जाएंगे। समझ में आए? बैठी दो, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन थोड़ा यानी सावध होके बोलना।
दो कक्षा चौकट का अभाव, तीन कक्षा चौकट का अभाव, तो वहाँ जाने पर होगा ना। जो मुनिराज चौथे स्थान में द्रविलिंगी है, अरे द्रविलिंगी मुनिराज विशिष्ट पुरुषार्थ करेंगे तो चौथे से सातवें में जाएंगे, और सातवें में जाना बनेगा वहाँ तीन कक्षा चौकट का अभाव होगा। और जो द्रविलिंगी श्रावक जो सम्यष्टि है तथापि द्रविलिंगी मुनिराज है अथवा द्रविलिंगी श्रावक है, वे चौथे से सातवें में पांचवें में जाएंगे। चौथे से सातवें में जाने वाले द्रविलिंगी श्रावक नहीं हैं, वे द्रविलिंगी मुनिराज ही होंगे। चौथे से सातवें में जाने वाले द्रविलिंगी मुनिराज ही होंगे, चौथे से पांचवें में जाने वाले द्रविलिंगी मुनिराज भी होंगे, द्रविलिंगी श्रावक भी होंगे। अंतर ख्याल में आ गया। अब चौथे से नीचे के गुण स्थानों में कौन कौन जीव जा सकते हैं, फिर से चौथे गुण स्थान से नीचे के कौन कौन से गुण स्थान में जा सकते हैं, अनुमान से बता देना, थोड़ी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, गलती होती है सुधारना, उसमें क्या है। चौथे स्थान से कौन कौन से जीव नीचे के कौन कौन से स्थान में जाएंगे, बोलो। माइक ले लो। तीसरे में जा सकते हैं और पहले में जा सकते हैं, तीसरे में और पहले में जा सकते हैं, दूसरे में नहीं जाएंगे? नहीं, दूसरे में क्यों नहीं जाएंगे भाई? यदि चौथे गुणवर्ती को अनंतानंद का उदय आ जाएगा तो दूसरे में भी जाएंगे। यदि चौथे गुणवर्ती जीव को अनंतानंद का उदय आएगा तो दूसरे में भी जाएंगे, यानी चौथे गुणवर्ती जीव तीसरे में, दूसरे में, पहले में, तीनों गुण स्थान में जाएंगे। कौन जाएंगे ये हमें विचार करना है। चौथे गुण स्थान वाले तीनों गुण स्थान में जाएंगे ये सामान्य कथन हुआ। अब विशेष कथन करते समय कौन कौन जाएंगे और ये भी बताना संभव हो तो देखो, ये जीव जाएगा ही नहीं। चौथे गुण स्थान से नीचे ये जीव जाएगा ही नहीं, ऐसा कोई जीव हो वो भी ढूंढो। चौथे स्थान से ये जीव नीचे जाएगा ही नहीं, बोलो। शायद थर्मिस्ट जाएगा ही नहीं। अब बैठिए, अब चौथे से जो जाएंगे, एक तो ऑप्शनिक थर्मिस्ट वाले जाएंगे अथवा ऑप्शनिक थर्मिस्ट वाले जाएंगे। अब वे जीव कौन से होंगे, क्षौपिंग समृष्टि कौन कौन से जा सकते हैं? क्यों भाई अभिषेक, तुम्हारे पास से क्या कर रहे हैं, देख रहा है, लिख रहा है, ठीक है। नहीं, लिखने कुछ आवश्यकता इसलिए नहीं है, सब किताब में है। जो किताब में न हो ऐसा विषय हो तो मैं बताऊंगा, या आप लिख लो। यानी कौन कौन से जीव जाएंगे, अर्थात जिस तरह पहले से ने चौथे से जाते समय द्रविलिंगी मुनिराज चौथे से सातवें में जाएंगे, द्रविलिंगी श्रावक अथवा द्रविलिंगी मुनिराज चौथे से पांचवें में जाएंगे, उसी तरह यहाँ चौथे स्थान से कौन जीव है कि जो तीसरे, दूसरे और पहले स्थान में जाएंगे, थोड़ा सोचना चाहिए, सोचने की आदत रखो, सोचकर उत्तर देना। प्रश्न नहीं, देखो चौथे स्थान से क्षायिक समृष्टि नीचे जाएंगे या नहीं? अब दो समृष्टि नीचे जा सकते हैं,
एक तो क्षोभ क्षम दृष्टि और औपम क्षम दृष्टि, लेकिन उनमें भी कौन जीव कहाँ तक नीचे जाएगा, चौथे से नीचे जाने का काम कौन जीव करेगा, विशेषण के साथ बता देना। सामान्य तो आपने बताया, अच्छा किया, बढ़िया हुआ कि चौथे से क्षायिक समृष्टि ले जाएंगे, दो समृष्टि दूसरे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में जाएंगे। अब कौन से वे जीव, बोलो, जीवों के यदि अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो द्वितीय गुण स्थान में जा सकते हैं, और यदि सम्यक मिथ्यात् का उदय आ गया तो तीसरे गुण स्थान में, और यदि मिथ्यात् का उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में। यह तो आपने कर्म के उदय की अपेक्षा बात की, यह तो अच्छा है, लेकिन जाते समय जिस तरह द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी श्रावक ऐसा शब्द प्रयोग किया था, उसके अनुसार शब्द प्रयोग करके हमें समझा दो। इसी में ये शब्द जोड़ के बताना है। हाँ, जोड़ के बता देना। द्रव्यलिंगी मुनि या श्रावक को यदि मिथ्यात् का उदय आ जाता है तो वो क्षयोपशम सम्यक्त से च्युत होकर प्रथम गुणस्थान मिथ्यात् अवस्था में पहुँच जाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद द्रव्यलिंगी श्रावक अथवा मुनि के यदि सम्यक मिथ्यात् प्रकृति का उदय आ जाता है तो वह तीसरे गुणस्थान में पहुँच जाते हैं। इसके बाद द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा श्रावक के सासाधन अनंतानुबंधी का यदि उदय आ जाता है तो वो चौथे गुणस्थान से च्युत होकर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में पहुँच जाए। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि नहीं जाएंगे, औपशम सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। ये नियम बढ़िया बताया, अच्छा क्या बैठिए। ऐसा है, जिस तरह द्रव्यलिंगी मुनि ऊपर जाएंगे, चौथे गुणस्थान होते द्रव्यलिंगी मुनिराज सातवें में पाँचवें में जाएंगे, उसी तरह चौथे गुणस्थान होती द्रव्यलिंगी मुनिराज सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो और सम्यक मिथ्यात्व परिणाम करे, दोनों बताना चाहिए। क्यों दोनों क्यों? यदि आप मात्र कर्म का उदय बताओगे तो निमित्त सापेक्ष कथन हो गया, उपादान सापेक्ष कथन नहीं हुआ। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व परिणाम करेंगे, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरे में जाएंगे द्रव्यलिंगी मुनिराज, अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक भी जो चौथे में हैं वे समय मिथ्यात् प्रणाम करेंगे, समय मिथ्यात् का उदय होगा तो तीसरे में जाएंगे, और यदि चौथे गुणस्थानवर्ती औपशमिक समय दृष्टि हो और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, परिणामों में अनंतानुबंधी का परिणाम हो जाए तो चौथे से तीसरे में जाएंगे, और यदि क्षयोपशमिक समय दृष्टि हो अथवा औपशमिक समृष्टि हो, मिथ्यात् परिणाम करे और मिथ्यात् का उदय आ जाए तो मिथ्यात् उत्थान में जाएंगे। देखो परिणामों की कैसी चंचलता है। मैं तो आपसे कहूँगा गुणस्थान के लाभ में हमें ये भी लिखना चाहिए, ये समझना भी चाहिए, करुणानुयोग के माध्यम से परिणामों की चंचलता भी ख्याल में आती है। परिणाम कितने चंचल हैं, यानी चौथे गुणस्थानवर्ती जीव पहले में जाएगा, छठवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज पहले गुणस्थान में जाएगा, परिणामों की कितनी चंचलता। देखो भाई, मैं ये तो कहूँगा, आप लोग छोटी उम्र के हो, इसका अर्थ आपके परिणामों में चंचलता अधिक है और हम जैसे लोगों के परिणामों में चंचलता नहीं है, ऐसा नहीं है। भावलिंगी मुनिराज के जीवन में चंचलता होती है, छठे से मिथ्यात्व में जाते हैं, परिणामों में चंचलता न हो तो कैसे जाएंगे। इसलिए भाई परिणामों की चंचलता का स्वरूप समझना हो तो गुणस्थानों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए द्रव्यलिंगी चतुर्थ गुणस्थान होते द्रव्यलिंगी मुनिराज तीसरे में, दूसरे में, पहले में जाएंगे, अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तीसरे में, दूसरे में, पहले में जाएंगे, अथवा
मात संतुष्टि हो तो भी तीसरे में, दूसरे में, पहले में जाएंगे। एक कंडीशंस में है, दूसरे गुण स्थान में वे ही जाएंगे जो औपशमिक संतुष्टि है। औपशमिक संतुष्टि ही दूसरे गुण स्थान में जाएंगे, अन्य कोई जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं जाएगा। और परिणाम और कर्म दोनों को एक साथ बताना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, परिणामों को, कर्मों को एक साथ बोलना चाहिए। जिस तरह कोई विद्यार्थी रैंक में आता है तो उसके कारण दो होते हैं, एक माँ पिताजी का सहयोग और अध्यापक का सहयोग दोनों, और तीसरा उसका स्वयं का अध्ययन। सहयोग और अध्ययन स्वयं का, ये जिस तरह आवश्यक है उसी तरह गुरुस्थान गिरने में और गुरुस्थान चढ़ने में परिणाम और कर्म दोनों निमित्तों का ज्ञान कराना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, गमनागमन के संबंध में जो कहा गया, उस संबंध में कुछ पूछना हो, शंका हो तो पूछ लीजिए। चौथे से पांचवें में, सातवें में जाएंगे, अथवा चौथे से तीसरे, दूसरे, पहले में जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? द्रव्यलिंग मुनराज ऊपर जाएंगे, द्रव्यलिंग श्रावक जाएंगे, नीचे भी द्रव्यलिंग मुनराज, द्रव्यलिंग श्रावक और सामान्य सम्य दृष्टि, नीचे तीनों गुण स्थानों में गमन कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई। है ना, बैठिए। ऐसा है, आपका प्रश्न ऐसा है, औपशमिक समृष्टि दूसरे स्थान में जाते हैं, इसका कुछ विशेष कारण है? है कारण। क्या कारण है? उनको ही अनंतानुमंदी कषाय का उदय संभव है, अन्य तीनों को अनंतानुमंदी का उदय नहीं आएगा। क्षायिक समृष्टि को तो उदय में आएगा ही नहीं, क्योंकि क्षायिक समृष्टि के जीवन में अनंत आनंदी कषाय चक्र है ही नहीं। और क्षाविषमिक समृष्टि को भी उदय में आने योग्य नहीं, क्यों? वहाँ उसका अनंत आनंदी का उपशम हो गया है, इसलिए औपशमिक सम्यक दृष्टि को ही अनंत आनंदी का उदय आ सकता है, इसलिए वे ही जाएंगे। बोलो। फिर से बोलो, स्पीकर माइक लेकर बोलो, सबको पता चले आपका प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न क्या है समझना, प्रश्न समझ में आने के बाद मैं उत्तर दूंगा। बोलो। चौथे गुण स्थान से जो पंचम गुण स्थान में गमन करते हैं, आपने बताया वे द्रव्यलिंगी श्रावक हों अथवा द्रव्यलिंगी मुनि हों, पर यदि अव्रती हों अर्थात द्रव्यलिंगी श्रावक भी ना हों तो वे पांचवें गुण स्थान में नहीं जा सकते क्या और पश्चात व्रत धारण करें? ऐसा नहीं हो सकता क्या? बैठिए। आपका प्रश्न ये है, पहले भावलिंग हो फिर द्रव्यलिंग धारण करें? पहले भावलिंग हो, यानी ये आप यहाँ घटा रहे हो, मैं आपसे पूछूंगा चौथे गुण स्थान से अथवा पहले गुण स्थान से पहले सातवें गुण स्थान हो और सातवें गुण स्थान में जाने के बाद कपड़े फेंके, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ ना, क्यों नहीं हो सकता? तो वही बात यहाँ लगा देना, जो वहाँ लगाते हो यही ये लगा देना। पहले द्रव्यलिंग का ग्रहण करना अनिवार्य है, उसके बिना आगे का गुणस्थान नहीं होता। चौथे गुणस्थान में भी, पांचवें गुणस्थान में भी द्रव्यलिंगी मुनि का स्वीकार हो, मुनि पीने का स्वीकार हो, द्रव्यलिंगी श्रावण का स्वीकार हो तो ही ऊपर का गुणस्थान हो सकता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो भाई, सुनाओ
खड़े हो जाओ, उसे खड़े होने दो, सुनाओ क्या क्या आपकी चर्चा हो रही है, सबको सुनाओ ना, उनको सुनाने दो। नहीं उनको सुनाने दो, नहीं उनको सुनाने दो, मैं बोलते समय क्यों बोलता ये, खड़े हो जाओ, मैं बोलते समय क्यों बोलता है, नहीं मैं बोलते समय क्यों, मेरा बोलना बंद हो जाए तो मुझसे बोलो, बीच में बोलना नहीं ना, बीच में नहीं बोलना। अब बोलो क्या बोलना तुम्हें। क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने द्रव्यलिंगी और द्रव्यलिंगी सेवक और द्रव्यलिंगी मुनि को क्यों कहा, भावलिंगी सेवक और भावलिंगी मुनिराज को क्यों नहीं कहा। माने जब अपन गमन करते हैं ऊपर या नीचे, आगमन होता है या गमन होता है, तो भावलिंगी क्यों नहीं कहा। भावलिंगी मुनि चौथे से सातवें में जाएंगे, ऐसा कैसे कहा जाए, चौथे में भावलिंगी मुनि होते ही नहीं, चौथे में भावलिंगी सेवक होते ही नहीं। अब मैं समझा रहा हूँ, सुनो ना, चौथे स्थान में भावलिंगी मुनि होते ही नहीं, भावलिंगी सेवक होते ही नहीं, इसलिए नहीं कहा। और पूछना हो तो सीधा हमसे पूछना, वो तुम्हें क्या मार्गदर्शन करेगा, उसका गुणस्थान बहुत अच्छा है क्या, ऐसा नहीं। हम बोलते समय आपको किसी के साथ बात करना ही नहीं चाहिए। देखो भाई, सज्जन आदमी भी ये बात नहीं करता। आप तो विद्यार्थी हो, आपको तो बिल्कुल शांत बैठ करके सुनना, और जो समझ में नहीं आएगा तो स्वयं ही पूछना, अपने साथ के विद्यार्थी वाले विद्यार्थी से नहीं पूछना, सीधा मुझे पूछना, मैं इसलिए आया हूँ ना आपको बताने के लिए। हाँ भाई बोलो। द्रव्यलिंगी श्रावक अर्थ बता दीजिए, बोलते हैं बैठिए, जिस श्रावक को रोज कोई ना कोई मिलता है, मुझे मुंह में उंगली डालने वाला, कितनी भद्दी आदत है, कहीं भी बैठोगे, रेल के डिब्बे में बैठोगे तो भी सामने वाला समझेगा ये मूर्ख, बस अड्डे पे बैठोगे तो भी समझेगा क्रैक है, स्क्रू ढीला है, गंदापन है, जिससे गंदेपन से कुछ ग्लानि नहीं है। मुंह में हाथ डालना, हाथ कितना गंदा होता है, सब जगह हाथ के द्वारा हम छूते हैं, वही हाथ मुंह में डालना, देखने में भी अच्छा लगता है, ये दोबारा मुझे कहने का काम नहीं पड़े। अब दोबारा यदि कोई करेगा ना, मैं तमाचा लगाऊंगा उनको। वास्तविक इतने बार बताने के बाद भी आपकी आदत क्यों नहीं छूटती। हाँ भाई आप पूछो जो शंका हो तो। द्रव्यलिंगी श्रावक का स्वरूप समझना है, जिसे सम्यक तो न हो तो भी अणुव्रतों का, गुणव्रतों का, शिक्षाव्रतों का स्वीकार जिन्होंने किया है उसे द्रव्यलिंगी श्रावक कहेंगे। फिर से, यानी सम्यक तो नहीं है, अथवा दो कषाय चौघड़ी का अभाव नहीं है, और गुणव्रतों का, अणुव्रतों का, गुणव्रतों का, शिक्षाव्रतों का स्वीकार किया है उसे द्रव्यलिंगी श्रावक कहेंगे। सम्यक तो भी हो, क्षायिक सम्यक तो हो, और अणुव्रतों का ग्रहण किया हो, और दो कषाय चौघड़ी का अभाव न हो, वो द्रव्यलिंगी श्रावक है। क्षायिक समृष्टि हो, महाव्रतों का पालन चल रहा है, इन तीन कषाय चौघड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरकता नहीं है तो द्रव्यलिंगी मुनि है। देखो ये विषय थोड़ा, ये समझना, मैंने कल भी बताया था, बुद्धि की सूक्ष्मता को बढ़ाने वाला ये अध्ययन है। फिर से बोलता हूँ, द्रव्यानुयोग स्थूल होता है,
प्रथमान योग और चरणान योग तो बहुत ही स्थूल होता है, द्रव्यान योग वो भी स्थूल है, समयसर का विषय भी स्थूल है, प्रवचनसर का विषय थोड़ा सूक्ष्म है, उसमें भी दूसरा अध्याय अधिक सूक्ष्म है। कितना भी सूक्ष्म हो करणान योग के समान सूक्ष्म नहीं है। हाँ, अब गमनागमन के संबंध में कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो। परीक्षा में प्रश्नोत्तर विभाग में दो गुणस्थानों के संबंध में पूर्ण विवेचन कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। दो गुणस्थानों का नाम भी आ सकता है, वो आ जाए तो दो गुणस्थानों में से साधन मिश्र का आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? बहुत सुलभ है, लिखने के लिए विषय कम है, दो गुणस्थानों को आएगा नहीं, बाकी जो दो बचे दो का आ सकता है। यानी आपको मिथ्यात्व गुणस्थान की और अविरत शब्द गुणस्थान की तैयारी अच्छी करके रखना, जिससे आप लिख सकोगे, लिख सको। हाँ भाई, अब बोलो। अविरत सम्यक तो फिर से बोलो। अविरत सम्यक और सम्यक्त में क्या अंतर है? सम्यक्त ये श्रद्धा गुण की पवित्र पर्याय है, अविरत सम्यक्त गुणस्थान का नाम है। बोलो ना उससे। कल आपने सम्यक दर्शन के तीन प्रकार बताए थे भेद, तो उसमें असम्यक सम्यक, छायु सम्यक सम्यक और छायक सम्यक बताए थे, तो उनकी जो काल था वो अलग अलग था, और जब अविरत सम्यक बताया था तो उसमें एक अंतर से लेके शादी 33 सागर ऐसा काल बताया था, तो तीनों कालों में वो काल नहीं आता, समझ में नहीं आया था थोड़ा काल में क्या था। कौन सा समझ में नहीं आया? अभी समझ में, तुम्हारा प्रश्न समझ में नहीं आया? अभी बाद में पूछ रहे हैं। तुम्हारा प्रश्न क्यों बाद में, क्या इनसे क्या डर है? क्लास को बाद में पूछ लेंगे। अच्छी बात है, ठीक। अभी पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच करते तो छोड़ दो। हाँ भाई, अब सम्यक का काल देखेंगे। वैसे कल बताया था, फिर से बताता हूँ, सम्यक का काल अलग है, अविरक्त सम्यक गुणस्थान का काल अलग है। सम्यक का काल अंतर्मूर्त, औपशमिक सम्यक का काल जघन्य भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त। सम्यक का काल औपशमिक सम्यक का, क्षौपशमिक सम्यक का काल जघन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट छासर सागर। क्षायिक सम्यक का काल साध्य अनंत, और अविरत सम्यक गुणस्थान का काल अलग है। क्या इसमें क्या समझ में नहीं है, बोलो अंतर क्या? अविरत सम्यक तो सम्यक में विशेष रूप, देखो भाई जब काल 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 अलग है दोनों का, तो अविरत सम्यक गुणस्थान है और सम्यक तो मात्र श्रद्धा गुण की एक पर्याय है। गुणस्थान में और श्रद्धा गुण की पर्याय में क्षायिक सम्यक तो चौथे गुणस्थान से श्रद्धालय तक रहेगा, और अविरत सम्यक गुणस्थान मात्र चौथे में रहेगा। समझ में आ गया? क्षौपशमिक सम्यक तो यहाँ भी रहेगा, स्वर्ग में भी रहेगा, यह अंतर है। अविरत सम्यक गुणस्थान का काल अलग है और सम्यक का काल अलग है। अविरत सम्यक गुणस्थान गुणस्थान है और सम्यक तो ये श्रद्धा गुण के निर्मल पर्याय है। दोनों में अंतर समझ में आता है? हाँ, अब आगे विवेचन चलेगा, बोलो। कल बताया था, अब नहीं बताऊंगा।
एक ही विषय दो दो बार नहीं बताया जाएगा। अब अध्ययन करो, कल पूरा बताया था, दोबारा वही बताता रहूँगा तो आगे का कब पढ़ूँगा मैं। अब अध्ययन करो, अध्ययन करने में पता चलेगा। हाँ भाई, अब हमें विशेषता के संबंध में सोचना है। आपको देखने के लिए भी कहा था, आप अब किताब खोल सकते हो, किताब खोल करके विशेषताएं पढ़ो, और जो विशेषता समझ में नहीं आती हो वो पूछना। बोलो। क्या? दो बार। हाँ, दो बार ऐसा होता है, अनंतानंद की विसर्जन के लिए और इच्छायिक समिति की प्राप्ति के लिए दो बार करण होते हैं। अनेक बार ऑप्शन अनंतानंद की विसर्जन के लिए और एक बार मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व इनका क्षय करने के लिए, ऐसे दो बार तीन करण परिणाम होते हैं। फिर से बोलता हूँ, तीसरी बार, क्षायिक सम्यक की प्राप्ति के लिए दो बार करण परिणाम होते हैं। एक तो अनंतानंद की नाश करने के लिए बोलो, अथवा विसर्जन के लिए बोलो। विसर्जन के माध्यम से ही अनंतानंद के क्षय का अभाव होता है। एक बार अनंतानंद की विसर्जन करेगा और अनंतानंद निकल गई पूरी, फिर क्षायिक सम्यक की प्राप्ति के लिए यानी मिथ्यात्व का नाश के लिए, समय मिथ्यात्व के नाश के लिए फिर से करण करेगा। दो बार हो गए ना। अब विशेषताओं को खोलो, उसमें से जो समझ में नहीं आया हो वो पूछो, पढ़ो मन में, और मन में पढ़ने के बाद पूछो। जो विशेषता समझ में नहीं आए हो वो पूछना। बोलो। इसमें मैंने जरा भजनीय लिखा था, इसका मतलब क्या है? भजनीय कि पूरा वाक्य पढ़ो। छायुक समेक सम्यक्त में उत्पत्ति काल को छोड़कर गुण श्रेणी निर्जरा भजनीय है। भजनीय ने कहीं होगा कहीं नहीं होगा, अथवा कम ज्यादा होगा, उसे भजनीय बोलते हैं। जैसे महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए कॉलेज की, तो कॉलेज की अरे हमारी व्यवस्था पे तो भरना ही भरना है। अब इससे अधिक दान देना वो भजनीय है। दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, भजनीय है। बोलो। आठवें अनुष्ठान के मेरे स्मरण के अनुसार नौ भाग होते हैं, नौ विभाग होते हैं। जिस तरह पंचम अनुष्ठान के ग्यारह भेद होते हैं, ग्यारह प्रतिमा ग्यारह भेद हैं। पंचम अनुष्ठान में जो प्रतिमाएं हैं, दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा, ये ग्यारह भेद होते हैं। उसी तरह आठवें अनुष्ठान के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे आठ भाग होते हैं। आठ भाग तक तीर्थंकर व्रत का नया बंध होता रहता है, यानी चौथे से चालू होता है। चौथे में तीर्थंकर व्रत बंद हो सकता है, पांचवे में, छठे में, सातवें में, चारों गुणस्थानों में से कहीं न कहीं एक गुणस्थान में केवली अथवा श्रुति केवली के पाद मूल में बंधना चालू होता है, और आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक बंधता रहता है। अनेक भाग है, उसका छठे भाग तक बनता है।
मन मानत नहीं छूटे है। ठीक है, सामने तो फोन कर। ठीक बोलो भाई। अरे वो अपने काम से जा रहा है, तुम्हें चिंता करने क्या आवश्यकता। बोला बोलो। भवित्व शक्ति का उद्घाटन होता है चौथे में, ये समझ में आ गया। और भवित्व शक्ति का अभाव होगा यानी भवित्व शक्ति का काम पूरा हो गया। मोक्ष मार्ग जिनके जीवन में प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग जिस कारण से प्रकट होता है उसे भवित्व शक्ति बोलते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, मोक्ष हो गया, काम हो गया, भवित्व शक्ति का अभाव हो जाता है। नहीं ना, भवित्व शक्ति निरंतर रहने की बात नहीं है। जब तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक रहती है। सिद्धावस्था प्राप्त होने के बाद उसका काम भी पूरा हो गया। काम पूरा होने के बाद क्यों रहेगी शक्ति। भवित्व शक्ति काम मोक्ष मार्ग प्रकट होना और मोक्ष होना ये है, बाद में रहने के काम ही नहीं। तत्वा सूत्र में भी कहा है, सूत्र में भवित्वंच क्यों वर्धमान, क्यों चंचलता हो रही है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। बोलो। छायक सम्यक की विशेषता में एक पॉइंट समझ में नहीं आया कि पूर्व में मनुष्य यात्रेंचाई का बंद न होने की दशा में उसी भाव में अथवा तीसरे ही भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, सबको समझ में आ जाए। सर एक मिनट माइक ले लो, माइक की व्यवस्था होने पर उसका उपयोग करें ना। पूर्व में मनुष्य यात्रियंच आयु का बंद ना होने की दशा में उसी भाव में अथवा तीसरे ही भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। बेटी ऐसा है, यदि क्षयिक संयुक्त काल में अभी किसी को इस भाव में क्षयिक संयुक्त हो गया है, उसके पहले मनुष्य का बंद हो गया हो तो वो जीव भोग भूमि में मनुष्य होगा, उसके बाद स्वर्ग में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर तीन भोग लगेंगे, नहीं तो उसी भोग में जा सकता है अथवा तीसरे भोग में जा सकता है। बोलो। गुणश्री ने जरा देखो, लाठी अनेक दिनों से यहाँ आती है, उसका उपयोग नहीं होता। गुणश्रेणी में जरा नीचे अंतर कम है, ऊपर अंतर ज़्यादा हो गया है। समझ लो, नीचे जहाँ टेबल पर रखा है ना, वहाँ मात्र 100 कर्मों की नजरा हो रही है, और मेरी मुठ्ठियाँ जहाँ हैं वो 1000 कर्मों की नजरा हो रही है। अब यहाँ 10,000 कर्मों की नजरा हो रही है, यहाँ 1,00,000 कर्मों की नजरा हो गई है। इस तरह गुणित श्रेणी रूप से, गुण श्रेणी गुणित रूप से जो निर्जरा होती है उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। निर्जरा ने कर्मों का निकल जाना, जो कर्म गुणित रूप से
निकल जाते हैं उसे गुण श्रेणी जरा कहते हैं। बोलो क्या? अच्छा प्रश्न पूछा। 12 प्रकार की अवृत्ति, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति और मन में विकल्प होना, ये इंद्रिय अविरति है। फिर से 5 इंद्रिय के विषयों में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इनमें प्रवृत्ति और मन के विकल्प में प्रवृत्ति, ये इंद्रिय के संबंध में अविरति है। और 5 स्थावर जीव, 1 त्रस जीव, ये षट का जीव है, उनकी हिंसा से अविरत होना, ये प्राणी अविरति है। 12 प्रकार की अविरति होगी। और बोलो भाई, बोलो योग्यता पूरी हो गई तो उसका नाश होता है। यदि योग्यता ही बनी रहे सिद्ध होने के बाद बैठी, जो सिद्ध होने के बाद भी भव्यत्व शक्ति बनी रहेगी तो आपत्ति आएगी ना, यानी सिद्ध होने के बाद भी मोक्ष मार्ग प्रकट करने का सामर्थ्य बना रहेगा तो वहाँ भी सामर्थ्य बना रहेगा तो कैसे रहेगा, वहाँ तो सामर्थ्य का अभाव होना चाहिए। क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति हो गई तो भव्यत्व शक्ति अभिव्यक्ति चौथे में होती है, शुद्ध अवस्था में पूरी होती है, नाश होता है उसका, काम हो गया, भव्य शक्ति का काम ही हो गया। बोलो ये अशुद्ध पारिणामिक भाव अनादि अनंत नहीं होता, शुद्ध पारिणामिक भाव ही अनादि अनंत होता है। और अभव्यत्व शक्ति तो वो अनादि अनंत रहेगी, भव्यत्व शक्ति मुक्ति प्राप्त होने के बाद नाश होता है। बोलो क्या अच्छा है, कल बोर्ड के आधार से इसे मैं समझाऊंगा, बोर्ड रखना। इनका प्रश्न यह है क्षयोपशम समित में त्रिकरण परिणाम की आवश्यकता, यानी अधिकरण अपरूकरण अनिवृत्तिकरण, इन तीन करण परिणामों की आवश्यकता क्यों नहीं होती, ऐसा प्रश्न है। इसका उत्तर मैं कल बोर्ड के आधार से दूंगा, संक्षेप में भी कहता हूँ। क्षयोपशम समित में सम्य प्रकृति का उदय रहता है, सम्य प्रकृति के उदय के कारण से क्षयोपशम समित होता है और वो त्रिकरण परिणाम के आधार से औपशमिक संयुक्त हो गया। औपशमिक संयुक्त छूटने के बाद क्षयोपशमिक संयुक्त होता है, इसलिए वहाँ त्रिकरण परिणाम की आवश्यकता नहीं है, स्वयं संयुक्त बना रहता है। त्रिकरण परिणाम नया काम करना हो तो आवश्यक होता है, यहाँ नया काम कुछ होता नहीं। संयुक्त औपशमिक संयुक्त में औपशमिक संयुक्त प्राप्त था, क्षयोपशमिक संयुक्त में समय प्रकृति के उदय से संयुक्त चालू है, फिर नया काम नहीं होता, फिर त्रिकरण परिणाम की आवश्यकता नहीं है। तथापि बोर्ड के आधार से कल और समझाएंगे। बोलो कल बोर्ड के आधार से समझाएंगे। और कल चौथे गुणस्थान के संबंध में, कल अर्थात सोमवार को, कल रविवार है ना, कल अर्थात सोमवार को चौथे गुणस्थान के संबंध में जो कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हो। अभी मेरी ओर से तो चौथा गुणस्थान पूरा हो गया है, और आप विशेषता के संबंध में अथवा जो कुछ भी पढ़ के आना और जो शंका हो वो शंका पूछ सकते हो, हम पूरा करेंगे। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, आप भी देख लो, पूर्ण करेंगे, कौन नहीं है सब है।